अमेरिकी नौसेना को कैसे लगा बड़ा झटका? जापान यूएस ने कहां पर की वॉर ड्रिल और चीन से निपटने के लिए ताइवान ने बनाया कौन सा प्लान? दुनिया की जंगी सनक से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए न्यूज टॉप 9 विध्वंसक विश्व में। साउथ चाइना सी में अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन रहस्यमय हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अमेरिकी नौसेना के 11 जवानों के घायल होने की खबर है। हालांकि सबमरीन के परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका चीन में बढ़ती टेंशन के बीच पेंटागन ने गुआम में आयरन डोम मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। अमेरिकी इजराइल तकनीक पर आधारित आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ड्रैगन के किसी भी मिसाइल अटैक का माकूल जवाब देने में सक्षम है। चाइना सी में जापान और अमेरिकी फौज की वॉर ड्रिल से नीला समंदर थर्रा उठा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिकी स्टिल्ट जेट ने जापान के सबसे बड़े युद्ध पोत जेएस इजुमो पर लैंडिंग का अभ्यास किया। अब अमेरिका ने अपना पूरा फोकस चीन की ओर शिफ्ट कर दिया है। नई रणनीति के तहत चाइना मिशन सेंटर बनाया गया है। CIA के लिए चीन अब रूस से ज्यादा खतरनाक बन रहा है। ऐसे में अमेरिका अब रूस के साथ कोल्ड वॉर की तर्ज पर चीन के खिलाफ रणनीति बनाएगा। अमेरिका चीन की होने वाली शिखर बैठक से कोल्ड वॉर खत्म होने के आसार हैं। बाइडेन जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब विश्व युद्ध की आशंका बढ़ रही है। ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में अमेरिका विशेष अभियान बल के एक्सपर्ट गुपचुप तरीके से ताइवानी फौज को वॉर ट्रेनिंग देकर मजबूत कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग अभियान के खुलासे से चीन बौखला गया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इसी बीच ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि वो किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शी जिनपिंग को तख्ता पलट का डर सता रहा है। ऐसी खबरें हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में इन दिनों सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष चल रहा है। तख्ता पलट का डर इस बात से भी सही साबित होता दिख रहा है क्योंकि जिनपिंग कोरोना के बाद से अब तक चीन से बाहर किसी यात्रा पर नहीं गए। अमेरिका के पूर्व NSA जनरल HR मैकमास्टर ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। मैकमास्टर ने अपील की है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकी जानी चाहिए क्योंकि वो आतंकी संगठनों की मदद करता है, उसे अलग थलग करने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।